हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल AKP एजुकेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा रतनगढ़ जंक्शन। ये सादुलपुर जंक्शन और बीकानेर जंक्शन के बीच में आता है। ये जंक्शन चुरू जंक्शन से आगे है। जब हम रेवाड़ी से बीकानेर जाते हैं, दिल्ली से बीकानेर जाते हैं, तो इन स्टेशनों के बीच में आता है। ये दिल्ली और बीकानेर जंक्शन के बीच में ये रेलवे स्टेशन आता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको इस वीडियो में रतनगढ़ रेलवे स्टेशन है, वो जंक्शन है, वो दिखाया गया है। तो आप देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, एक नंबर प्लेटफॉर्म है रतनगढ़ जंक्शन का, प्लेटफॉर्म नंबर एक। तो दोस्तों ये इस प्रकार का रेलवे स्टेशन है, रतनगढ़ जंक्शन है। तो देखिए आप इस वीडियो में देखिए रतनगढ़ जंक्शन। थैंक यू दोस्तों। ये जो जंक्शन है, ये बीकानेर साइड में होता है। जोधपुर से पहले यहाँ पर क्या है कि जोधपुर वाली लाइन और बीकानेर वाली लाइन चेंज यहाँ से ही होती है, रतनगढ़ से ही। क्या कि जब हम दिल्ली से या सादुलपुर से जोधपुर से आते हैं, तो जो रतनगढ़ जंक्शन है, रतनगढ़ जंक्शन में ही जोधपुर और बीकानेर के लिए लाइनें पड़ती हैं। अगर हमें रतनगढ़ तक आना है और जोधपुर और बीकानेर जाना है, सोचना कि हम बीकानेर जाए जोधपुर जाए, तो हम रतनगढ़ से ही जा सकते हैं। लेकिन जब हम जोधपुर साइड में जा रहे हैं और रतनगढ़ से आगे निकल गए, तो फिर हम बीकानेर साइड नहीं जा पाएंगे।